नमस्कार एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी की हेडलाइंस के साथ। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने भोपाल में आयोजित स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के प्रथम शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने की सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा। और कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी की उपस्थिति में रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए यशस्वी एकेडमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पुणे और संचालक रोजगार विभाग के बीच हुआ एमओयू। और अब खबरें विस्तार से। नगरीय विकास और आवास मंत्री माया सिंह ने कहा है कि स्मार्ट सिटी में चयनित शहरों में स्मार्ट सुविधाओं के विस्तार से नागरिक भी स्मार्ट बनेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी में सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए लागत के कार्य स्वीकृत किए गए हैं और 2000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्य प्रक्रिया में हैं। उन्होंने ये बात देश के स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर कही। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी की मौजूदगी में राज्य मंत्रालय में प्रदेश के रोजगार विभाग और यशस्वी अकेडमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पुणे के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के आधार पर रोजगार कार्यालयों के प्लेसमेंट सेंटर के रूप में उन्नयन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। रोजगार विभाग की ओर से संचालक संजीव सिंह और एकेडमी की ओर से संचालक विश्वेश कुलकर्णी ने करारनामे पर हस्ताक्षर किए। राज्य मंत्री जोशी ने कहा कि इस करारनामे से चयनित 15 जिला मुख्यालयों पर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित होंगे। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने बैकलॉग पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री लाल सिंह ने मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव प्रभांशु कमल उपस्थित थे। इस अवसर पर मंत्री आर्य ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विलंब नहीं किया जाए, ये प्रकरण समय सीमा में निराकृत किए जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में श्रेणीवार रिक्त पदों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग में होना चाहिए। राज्य मंत्री ने जांच के लंबित प्रकरणों में शीघ्र पेशी करवाने के निर्देश दिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ओम प्रकाश दुर्वे ने बुधवार को डिंडोरी की ग्राम पंचायत भलवारा विकासखंड में मेहदवानी में 4 लाख की लागत से बनने वाली सीसी रोड और 2 लाख की लागत से बनने वाली श्रमिक शेड का भूमि पूजन किया। सीसी रोड का निर्माण मेन रोड से माता मंदिर तक किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।